क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 पेज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ हीट के बारे में, ठीक है, कि किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के अंदर जो भी हीट चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स, यानी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉरी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो माने एनर्जी या हीट, और डायनेमिक्स माने गतिशील अवस्था उसकी, तो थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। अब थर्मोडायनेमिक्स में हमारी कुछ टर्म्स आती हैं, जिसमें सबसे पहले बोलते हैं हम आपका सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है? द स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको? हम सिस्टम बोलते हैं। यानी द स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज नोन एज सिस्टम, वो सिस्टम कहलाता है। दूसरा आता हमारा, दूसरे को बोलते हैं सराउंडिंग। अब आप जैसे कहेंगे सिस्टम का मतलब क्या है? कोई भी वो पार्ट यूनिवर्स का जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। मान लीजिए मैं बात करता हूं इस पेन की, दिस इज ए पेन, इसका कलर ब्लैक एंड व्हाइट है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, लिखने काम आता है, इसका वेट मान लीजिए 10 या 20 ग्राम है, इसकी लेंथ मान लीजिए आपकी 4 सेंटीमीटर है। तो आई एम स्टडी इन अबाउट दिस पेन ओनली, सो दिस इज द सिस्टम। वो क्या कहलाता है? हमारा सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो सिस्टम क्या होता है? स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज नोन एज सिस्टम। अब उसके बाद में बात आती है हमारी सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज नॉट अंडर ऑब्जर्वेशन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज नॉट अंडर ऑब्जर्वेशन इज नोन एज सराउंडिंग। उसको क्या बोलते हैं हम? यानी वो पार्ट यूनिवर्स का जो सराउंड मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन में ना हो। सपोज कीजिए मैं अभी किसके बारे में बात कर रहा हूं? पेन के बारे में बात कर रहा हूं। तो दिस पेन इज द सिस्टम, और इस पेन को छोड़ करके मान लीजिए दूसरा पेन है, या मैं खुद खड़ा हूं, मेरी शर्ट है, या मैं खुद आई एम माई सेल्फ ऑल्सो, तो मैं खुद मैं अपने आप हूं, या ये आपका दीवारें हैं, या ये एयर है, या ये बोर्ड है, ऑल थिंग्स आर सराउंडिंग। ये सब क्या होती है? हमारी सराउंडिंग्स कहलाती हैं। तो पहली बात क्या हुई हमारी? सिस्टम। और दूसरी बात क्या है हमारी? सराउंडिंग। यानी द स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज नोन एज सिस्टम, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज नॉट अंडर ऑब्जर्वेशन दैट इज नोन एज सराउंडिंग। तीसरी बात आती है बेटा हमारी, ये पहली टर्म हुई, ये दूसरी हुई, अब हम तीसरी टर्म की बात करते हैं। तीसरा क्या आता है? इसको बोलते हैं हम आपका यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है? सिस्टम एंड सराउंडिंग कॉन्स्टिट्यूट द यूनिवर्स। जब सिस्टम और सराउंडिंग आपस में मिल जाते हैं तो जो भी चीज वो बनाते हैं क्या कहलाता है हमारा? उसको बोलते हैं हम यूनिवर्स। यानी सिस्टम
एंड सराउंडिंग, कॉन्स्टिट्यूट द यूनिवर्स। यानी सिस्टम सराउंडिंग मिलकर क्या बनाएंगे, यूनिवर्स बनाते हैं। यानी अगर मैं यूनिवर्स की बात लिखता हूं तो यूनिवर्स क्या होगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, दिस इज नोन एज यूनिवर्स। अब आप कहेंगे हम कैसे मान ले जी क्या सिस्टम है। सपोज कीजिए मैंने एक क्या लिया, आई हैव टेकन ए कप ऑफ टी, मैंने एक कप ऑफ टी ले लिया, या मैंने एक बीकर लिया सपोज कीजिए। इस बीकर में मैंने क्या भर दिया, इस बीकर में मैंने अल्कोहल, ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं, तो ये क्या हमारा अल्कोहल, और ये क्या हमारा बीकर है, ये बीकर हुआ, ये अल्कोहल हुआ। अब वो आपसे कहते हैं ये पूरा ही हमारा क्या सिस्टम है, तो ये पूरा सिस्टम हो गया, और इसके बाहर ये जो सब चीज है क्या है, यानी इसके बाहर सब क्या है सराउंडिंग। तो क्या बताया आपको, ये जो बीकर है ये तो क्या कहलाया हमारा, ये कहलाया सिस्टम, और इसे छोड़ के बाकी सब चीज क्या है सराउंडिंग, और सिस्टम सराउंडिंग मिलकर क्या बनाते हैं यूनिवर्स, दे कॉन्स्टिट्यूट द यूनिवर्स, वो यूनिवर्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब इसके बाद बात आती है हमारे बेटा, सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, यूनिवर्स हुआ, अब हम बात करते हैं बाउंड्रीज। बाउंड्रीज क्या है जी, यानी बाउंड्रीज क्या होता है, द रियल और इमेजिनरी द रियल और इमेजिनरी वॉल विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। इज नोन एज बाउंड्रीज। यानी वो रियल या इमेजिनरी दीवारें जो क्या करती हैं, सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती हैं, वो क्या कहलाएंगे हमारी, वो हमारी बाउंड्रीज कहलाती हैं। जैसे आप ये आप समझ रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया था, अगर ये वाला बाहर वाला पार्ट है हमारा, ये तो क्या हमारा सब सराउंडिंग है, ये सब सराउंडिंग है, लेकिन ये जो दीवारें हैं आपको दिखाई दे रहा है, ये जो वॉल है कंटेनर की, मैं ऐसे दिखा देता हूं आपको, मैं एरो लगा करके, इनको क्या बोलेंगे, ये हमारी बाउंड्रीज कहलाती है। तो एक सिस्टम हुआ, दूसरा हमारा सराउंडिंग हुई, तो यूनिवर्स का वो पार्ट जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो सिस्टम कहलाता है, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज बाउंड्री, इसको हम बाउंड्री बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर हम एक बीकर ले लें वो जिसके अंदर अल्कोहल भरा हो, तो फिर दोबारा समझिएगा सिस्टम के बारे में, मैं एक बार दोबारा रिकैप करता हूं। थर्मोडायनेमिक्स क्या हुई, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल प्रोसेस इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स से बात आती है हमारी, कुछ टर्म्स होती हैं, सिस्टम होता है, सराउंडिंग होता है, तो सिस्टम क्या है, द स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हम ऑब्जर्वेशन में रख रहे हो वो क्या कहलाता है, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। सपोज कीजिए यू हैव टेकन द बीकर ऑफ एल्कोहल, एक बीकर लिया उसमें एल्कोहल डाल दिया, वो हमारा क्या करेगा सिस्टम कहलाता है। दूसरा आता है हमारा सराउंडिंग, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज नॉट अंडर ऑब्जर्वेशन दैट इज नोन एज सराउंडिंग, उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्स बीकर एवरीथिंग विल बी सराउंडिंग, बीकर को छोड़ के बाकी सब क्या होंगे हमारी सराउंडिंग होगी। उसके बाद बात आती है हमारी यूनिवर्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग कॉन्स्टिट्यूट द यूनिवर्स। अगर हम क्या करते हैं, जब सिस्टम सराउंडिंग दोनों को मिला दें तो क्या बनाएंगे यूनिवर्स बनाएंगे। आप कहेंगे कैसे सर, मान लीजिए ये मेरा, मैं इसको सिस्टम मान रहा हूँ ठीक है, तो इसको छोड़ के ये पेन हुआ या इसकी कैप भी हुई, तो ये भी क्या होगी, इसकी कैप भी हमारी सराउंडिंग में आ जाएगी। मान लीजिए ये
मैंने क्या लिया, इसकी मार कर लिया ये वाला, और ये मैंने इसका, मैं केवल इसी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये पेन है हमारा, इस पर कैप नहीं लगी हुई है, तो ये तो सिस्टम हुआ। और इसे छोड़ के मान लिया क्या हमारा सराउंडिंग हुआ, ये छोड़ के बाकी सराउंडिंग है, और जब सिस्टम सराउंडिंग को मिलाते हैं तो क्या बनता है, यूनिवर्स। अब ये यूनिवर्स बन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम यूनिवर्स बोलते हैं। उसके इसी तरह मैंने आपको बताया कि बीकर और अल्कोहल मिलकर क्या बनाएंगे, अब सराउंडिंग मिलकर क्या बनाएंगे, सिस्टम आपका यूनिवर्स बनाते हैं। अब बात आती है इसके अंदर आपका बाउंड्रीज की, वो रियल या इमेजनरी वॉल जो सिस्टम को अलग करती हैं सराउंडिंग से, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम बाउंड्रीज। सपोज कीजिए आपने एक फैन ले लिया और उस फैन को जब आप देखते हैं तो फैन के बारे में आप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए इमेजिन करिए आपके ऊपर सर के ऊपर पंखा चल रहा है, पंखे के पास में क्या ब्लेड है, वो पंखा चल भी रहा है, तो पंखा विद ब्लेड तो हमारा क्या सिस्टम बन गया, और जो बाकी उसे छोड़कर क्या हुआ सराउंडिंग हुआ। लेकिन वो इमेजनरी या रियल पॉइंट जहां फैन आपका सराउंडिंग को अलग कर रहा है वो क्या कहलाता है हमारा, उसी को हम वॉल यानी उसको हम बाउंड्री बोलते हैं। अब अगर आप कहेंगे चलते फैन के पास हम कैसे देखेंगे जी भाई, अगर आप जहां अगर आपकी उंगली टच नहीं कर रही, वो तो हमारा क्या है उससे पहला पहला पार्ट हमारा मतलब वो तो सराउंडिंग हुआ, और जो पंखा है वो हमारा क्या सिस्टम हुआ, और जहां पर उंगली हमारी टच करने वाली हो एकदम किसको फैन को, वो क्या होगा हमारा, वो हमारा सराउंडिंग्स कहलाता है, उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। तो पहले बात आई सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स बाउंड्रीज। अब इसके बाद बात आती है बेटा आपकी टाइप ऑफ सिस्टम। तो टाइप ऑफ सिस्टम क्या होते हैं समझिएगा, लिखेंगे आप टाइप ऑफ सिस्टम। तो टाइप ऑफ सिस्टम में क्या आएगा, पहला कहलाता है हमारा नंबर वन ओपन सिस्टम। क्या होता है ओपन सिस्टम, वो सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ अपने मैटर को भी चेंज करता है और एनर्जी को भी, यानी दो सिस्टम विच एक्सचेंज बोथ मैटर एज वेल एज एनर्जी, मैटर एज वेल एज एनर्जी विद सराउंडिंग इज नोन एज ओपन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल a cup of hot tea, आप एक हॉट टी लेते हैं, यानी आपने क्या लिया एक कप लिया, इसके अंदर आपने क्या डाल दी टी डाल दी, और वो भी गरम गरम। अब आप कहें गरम गरम क्या पता चलेगी, इसमें से भाप निकलती दिखा देंगे, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा ओपन सिस्टम होता है, यानी वो सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ मैटर भी एक्सचेंज करता है और एनर्जी भी एक्सचेंज करता है, उसको हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कप ऑफ टी, आपने गरम एक कप ऑफ हॉट टी आपने गरम चाय ली, जब आप उसको रखेंगे तो क्या करेंगे, कुछ उसके अंदर जो वाटर होगा वो वेपर बनकर उड़ जाएगा, यानी उसने मैटर एक्सचेंज किया, मैटर उसका कम हो गया, साथ साथ क्या हुआ चाय ठंडी हो जाएगी, इसका मतलब क्या होना है एनर्जी भी एक्सचेंज की। तो ऐसे सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ मैटर एज वेल एज एनर्जी दोनों एक्सचेंज करते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे, वो हमारे ओपन सिस्टम कहलाते हैं, उनको हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। दूसरे आते हैं आपके क्लोज सिस्टम। अब आप कहेंगे क्लोज सिस्टम क्या है, दो सिस्टम विच एक्सचेंज
ओनली एनर्जी नॉट मैटर विद सराउंडिंग इज नोन एज, क्या कहलाएंगे हमारे, क्लोज सिस्टम, यानी वो सिस्टम जो आपके एनर्जी को भी एक्सचेंज करते हैं और मैटर को भी एक्सचेंज करते हैं, सॉरी वो सिस्टम जो केवल आपके एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, मैटर एक्सचेंज नहीं करते सराउंडिंग के साथ, वो क्या कहलाएंगे हमारे, क्लोज सिस्टम, उनको हम क्लोज सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी इन ए केटल, आपने केतली के अंदर चाय ले ली, देखा होगा आपने केतली बनी होती है, केतली किस टाइप की होती है आप देखते हैं, इस तरह की शेप बनी होती है उनकी, मान ली हमने केतली ले ली, इस पर हमने क्या लगा दिया, यहां पर ढक्कन लगा दिया, तो अब आप देख रहे हैं ये सिस्टम रस तो क्या है हमारा, क्लोज हो गया, बंद कर दिया हमने इसको, लेकिन ये क्या कर रहा है, या आप सिंपल ऐसे ले लो, चलो हम ऐसे दिखा देते हैं, ये केतली हमारी ऐसी होगी जिसमें इसकी साइड चेन नहीं लगी होगी, ऐसे समझ लो, ये क्या है हमारी, जब चाय हम लेंगे हॉटी तो ये चाय ठंडी तो होगी लेकिन इसका मास कम नहीं होगा, क्यों कम नहीं होगा, जो भी हमारी टी का इसके अंदर जो वाटर है वो वेपराइज हुआ, और वेपराइज होने के बाद में क्या होगा, वेपराइज होने के बाद में बेटा वो आपका जो वेपर बनेगी वो फिर क्या करेंगे, टपक के फिर यहीं पर आ जाएंगी, लेकिन चाय क्या होगी हमारी, ठंडी हो जाएगी, तो ये क्या करती है, ये आपका एक्सचेंज कर रही है किसको, आपका एक्सचेंज कर रही है ये एनर्जी को, मैटर को नहीं, क्योंकि ठंडी हो गई मास कम नहीं हुआ, तो सिस्टम क्या कहलाएगा हमारा, इसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। उसके बाद अगली बात आती है हमारी क्लोज सिस्टम के बाद आता हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, तीसरा कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होगा आइसोलेटेड सिस्टम, देखिएगा दो सिस्टम विच नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर विद सराउंडिंग, इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। ना तो एनर्जी को एक्सचेंज करते हो ना मैटर को एक्सचेंज करते हो, वो क्या कहलाते हैं हमारे, उनको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल ए टी इन थर्मस, सुना था आपने टी इन थर्मस, तो वो आप देखेंगे वो क्या होगा, चाय अगर आप थर्मस में लेते हैं तो ना वो ठंडी होगी ना उसका मास कम होगा। अब आप कहेंगे वो तो ठंडी हो जाती है, ठंडी होने का मतलब ये नहीं कि आप उसे दो तीन मतलब एक दो दिन रखे रखें, मान लीजिए आपने 3 घंटे के लिए आपने चाय को रखा है केतली के अंदर, चाय को रखा आपने कप के अंदर, और चाय को रखा आपने थर्मस के अंदर, तो थर्मस के अंदर चाय हमारी क्या होगी, कप के अंदर तो चाय ठंडी भी है उसके वेट भी कम हो जाएगी क्योंकि कुछ वाटर वेपर उनको उड़ जाएगा, जो केतली में चाय है वो ठंडी तो होगी लेकिन उसका मास कम नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जो हमारे थर्मस के अंदर है ना तो वो ठंडी होगी ना उसका मास कम होगा, तो ऐसा सिस्टम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे आप ऐसा समझ लीजिएगा, यहां मैंने चाय रख दी इसके अंदर गर्म चाय है, और इसको मैं आइसोलेटेड दिखाने के लिए मैं ऐसा बना देता हूं जी, ये क्या हमारा है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है,
बन गया। तो क्या होता है, तो वो सिस्टम जो ना तो मैटर के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हो, ना आपका मास एक्सचेंज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे, उनको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल टी इन थर्मस आप लिख देंगे, फॉर एग्जांपल टी इन थर्मस, थर्मस के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता हमारा, ये कहलाता है हमारा आइसोलेट सिस्टम। तो इस तरह से हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, सिस्टम, सराउंडिंग, आपका यूनिवर्स, उसके बाद टाइप ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और आपका आइसोलेटेड सिस्टम। अब उसके बाद बात आती है बेटा आपकी नेक्स्ट टर्म, जिसको हम समझते हैं किसके द्वारा, देखिएगा आप जब पेज खोलेंगे तो जब आप बुक खोलेंगे तो बुक में सबसे पहले आपको इस सिस्टम आपको दिखाए हैं, सराउंडिंग दिखाया, उसके बाद उन्होंने आपको क्या दिखाया, क्लोज सिस्टम बताया, ओपन सिस्टम बताया, बाउंड्री बताई है, बाउंड्री क्या होती है, उसके बाद आपका आता है स्टेट ऑफ सिस्टम और स्टेट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो बात आती है हमारी स्टेट फंक्शन और आपका स्टेट वेरिएबल के लिए। तो स्टेट फंक्शन क्या होगा, देखो स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल बात एक ही है। तो वो हमारे वेरिएबल जो किसी भी सिस्टम की स्टेट बताने के लिए आवश्यक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे, उनको बोलते हैं स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल, यानी दोज वेरिएबल विच आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। मतलब दोज वेरिएबल विच आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब, दोज वेरिएबल विच आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज क्या कहलाएंगे, स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल, ठीक है। यानी किस सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज या वो वेरिएबल जो उसकी स्टेट को बताते हैं, यानी उसका टेम्परेचर क्या है, उसका प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, वो सब क्या कहलाते हैं हमारे, स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी कोमा वी कोमा टी इज नोन एज स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। तो किसी भी सिस्टम किसके बताते हैं, पोजिशन को एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम ये बताएं किसी भी सिस्टम का, भाई 1 bar टेम्परेचर है, उसका वॉल्यूम हमारा, सॉरी 1 bar प्रेशर है, वॉल्यूम उसका क्या है मान लिया 20 ml है, टेम्परेचर मान लिया 300 है, तो हम उस किस सिस्टम की स्टेट के बारे में बता रहे हैं। मान लीजिए सपोज के लिए आई एम एक सिस्टम, मैं एक सिस्टम हूँ, तो मेरे ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, 180 ml प्रेशर है, जो मेरा वॉल्यूम है यानी मेरे जो मान ली मास मान लीजिएगा, उसे वॉल्यूम को मान लेते हैं सपोज कीजिए, तो ये क्या हमारा, ये हमारा मास हो गया या हमारा वॉल्यूम, हम इसको देख रहे हैं लंबाई कितनी हो, चौड़ाई कितनी, ऊंचाई कितनी है। उसके बाद में मेरे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए किसी का आप ये बताने लगे जिसका मास तो 120 किलो है, एक का क्या है जी 5 किलो है, इसका मतलब आप क्या बता रहे हैं, उस सिस्टम की स्टेट को बता रहे हैं। तो किसी भी सिस्टम की स्टेट बताने के लिए जो वेरिएबल की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाते हैं हमारे, उनको बोलते हैं स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल कहलाते हैं जी, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है हमारी
इसके बाद बात आती है आपकी जी। हाँ क्या बात है, इसकी बात है जी आपका। अब हम ये बताएंगे कि जब आप बताया प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, ये क्या कहलाते हैं हमारी, ये हमारे कहलाते हैं आपका स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल। उसके बाद में आती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ये कुछ टर्म है बेटा जो यूज की जाती हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती हैं, यानी द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच अराइजेस फ्रॉम बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर, दैट इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। यानी दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच अराइजेस फ्रॉम बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। यानी किस सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो मैटर के बल्क बिहेवियर के कारण पैदा होती हैं, वो क्या कहलाएंगी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहलाती हैं। अब आप कहेंगे मैक्रो आपका बल्क बिहेवियर का मतलब क्या है। मान लीजिए आपके पास में गैस का सिलेंडर है, सपोज कीजिए 14 किलो का गैस सिलेंडर है, उसके अंदर आपने मान लीजिए 14.5 किलो, मतलब वो जो आपका सिलेंडर आता है नॉर्मली जो घर में आप यूज करते हैं, तो उसमें 14.5 किलो गैस भरी होती है। अब अगर आप उस गैस को जब आप अपने स्टोव में लगाते हैं, अब आप उसे इग्नाइट करेंगे तो आपको एनर्जी भी देगी, वो आपको हीट भी देगी, आपको लाइट भी देगी, ठीक है। अगर आप उसके पिन को दबा के देखेंगे तो प्रेशर भी दिखाई देगा, बहुत जोर से बोलेगा वो सिलेंडर। तो ये बल्क बिहेवियर है, उस सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो ज़्यादा मात्रा में है। तो अब आप ये समझिए किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर पे, वो क्या कहलाएंगी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो अब आपने मान लीजिए वो बड़ा जो सिलेंडर आता है उसके अंदर 14.5 किलो गैस भरी है, तो वो आपको टेम्परेचर भी देगा, प्रेशर भी देगा, वॉल्यूम भी दिखाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसी सिलेंडर के अंदर आप जो आपका सिलेंडर होता है, अगर आप उसके अंदर 100 ग्राम गैस भर दें, तो अब क्या होगा, ना आपको टेम्परेचर मिलेगा, ना प्रेशर मिलेगा, ना आपको वॉल्यूम पता चलेगा, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, 14.5 किलो, उसमें गैस कितनी है आपकी, 100 100 ग्राम या 100 ml। तो अगर आप उस गैस को देखेंगे तो वो इग्नाइट नहीं होगी, जलेगी नहीं, गैस सिलेंडर बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी पैदा हो रही थी वो किसके कारण हो रही थी, बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर, कहाँ तो 100 ग्राम गैस, कहाँ 14.5 किलो गैस। तो जो 14.5 किलो गैस होगी उसके कारण जो क्या है, टेम्परेचर मिला, प्रेशर मिला, वॉल्यूम मिला, तो ये क्या कहलाता है, बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर कहलाता है। तो बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर के द्वारा जो प्रॉपर्टी होती है उनको हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। उसके बाद आप क्या देखेंगे, अब मान लीजिए आपने क्या किया, सपोज कीजिए अब आपने एक छोटा सिलेंडर ले लिया जिसका वॉल्यूम मान लीजिए 100 ml है। अब उस 100 ml वाले में आप 100 ml ही गैस भर दीजिए जो आपने पहले 14.5 किलो वाले के अंदर 100 ग्राम गैस भरी थी। अब आप क्या करेंगे, 100 ग्राम वाले के अंदर 100 ग्राम गैस भर दीजिए। अब आप उसे इग्नाइट करेंगे तो इग्नाइट हो जाएगी, वो टेम्परेचर दिखाएगी, प्रेशर दिखाएगी, वॉल्यूम भी दिखाएगी, क्योंकि 100 ग्राम वाले सिलेंडर के अंदर 100 ग्राम गैस बल्क बिहेवियर में है, ठीक है। तो वो क्या है, बल्क बिहेवियर में आ गई। लेकिन अगर मान लीजिए आप क्या करें, 20 ग्राम गैस बचा लें, यानी जो 100 ग्राम का हमारा सिलेंडर उसमें 10 ग्राम गैस भर दें, तो क्या होगा, ना टेम्परेचर मिलेगा, ना प्रेशर मिलेगा, ना वॉल्यूम मिलेगा। तो इसका अर्थ ये होता है कि जब कोई भी सब्सटेंस अपने ज्यादा मात्रा में होता है उसके कारण उसकी जो भी प्रॉपर्टी पैदा होती है वो क्या कहलाती है हमारी, उसी को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। यानी द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच अराइजेज फ्रॉम बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर, दैट इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, उनको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब ये प्रॉपर्टी दो तरह की होती हैं, दीज आर टू टाइप, दो तरह की प्रॉपर्टी है। ए पहली कहलाती है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पहली को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और बी दूसरे को बोलते हैं एक्सटेंसिव
प्रॉपर्टी। तो पहली कहलाती है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी कहलाती है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो क्या बताया भी आपको, क्या समझाया मैंने, किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो उसके बल्क बिहेवियर और मैटर के कारण पैदा होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं मैक्रोस्कोप प्रॉपर्टी। अब मैक्रोस्कोप प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक कहलाती है इंटेंसिव और दूसरी कहलाती है एक्सटेंसिव। तो आप कहेंगे इंटेंसिव क्या है, एक्सटेंसिव क्या है, तो समझिएगा पहली प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, या इंटेंसिव ले लीजिएगा, क्या होंगी। तो पहले हम बात करते हैं इंटेंसिव की। क्या होगी जी, किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड ना करें, क्या कहलाएंगे हमारी, उनको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डू नॉट डिपेंड अपॉन, पैदा तो होती हैं, डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर, डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट इन मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर इन सिस्टम इज नोन एज, क्या कहेंगे उनको, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे क्या होता है आपका टेम्परेचर हुआ, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर लेते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिपेंड नहीं करता अमाउंट ऑफ मैटर पे, टेम्परेचर। दूसरा प्रेशर, तीसरा डेंसिटी, ठीक है, चौथा मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, उसके बाद स्पेसिफिक, आगे पढ़ाएंगे क्या है सब चीजें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये सब प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, ये सब प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती है, इनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। यानी कि सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो आपकी डिपेंड ना करती हो अमाउंट ऑफ मैटर पे, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, डेंसिटी हुई, मोलर हीट कैपेसिटी हुई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हुई, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। उसके बाद अगला आता है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए नाम से ही पता है, इंटेंसिव माने डिपेंड ना करना, इंडिपेंडेंट, जो हमारी क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, वो क्या कहलाती है हमारी, इंटेंसिव, डिपेंड ना करने का मतलब, और दूसरी कहलाती है हमारी एक्सटेंसिव, इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होती है, दोज प्रॉपर्टीज those properties of system which depend upon, जो क्या करती हो हमारी, depend करती हो, which depend upon amount of matter, तो means which depend upon amount of matter, जो क्या करती हो, अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर, इज नोन एज, क्या कहेंगे उनको, बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल मास कॉमा वॉल्यूम, मास हुआ, वॉल्यूम हुआ, हीट कैपेसिटी, ठीक है, उसके बाद आपका मास हो गया और वॉल्यूम हुआ, हीट कैपेसिटी हुई, उसके बाद इंटरनल एनर्जी, उसके बाद एंथाल्पी, उसके बाद गिब्स एनर्जी,
ये वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्या होती हैं, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं। तो किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मैटर पे, वो क्या कहलाएंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास हुआ, वॉल्यूम हुआ, आपका हीट कैपेसिटी हो गई, इंटरनल एनर्जी हो गई, एंथैल्पी हो गई, एंट्रोपी हुई, ये सारी टर्म आगे आएंगी। क्या होती है उसके बाद आपकी एंट्रोपी, ENTROPY, ऑल दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये सब हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है बेटा। तो फिर समझिएगा, पहली बात तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो पैदा होती है बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर के द्वारा, वो हमारी क्या कहलाती है, उनको बोलते हैं एक्सटेंसिव मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, यानी दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर इन ए सिस्टम, दैट इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, सॉरी दोज प्रॉपर्टी विच अराइजेज फ्रॉम बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सिस्टम, दैट इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक कहलाती है इंटेंसिव, दूसरी कहलाती है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करे, यानी इंडिपेंडेंट रहे, वो क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एटसेट्रा, ऑल दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आती है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर, यानी कि सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है, इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी एटसेट्रा, ऑल दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक क्वेश्चन आता है कि वही कहते हैं बताइए, जब मास और वॉल्यूम, मास एंड वॉल्यूम क्या है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो डेंसिटी इंटेंसिव क्यों है। आप जानते हैं अगर मास एक प्रॉपर्टी है जो एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक प्रॉपर्टी है जो एक्सटेंसिव है, तो कहते हैं दोनों प्रॉपर्टी हमारी एक्सटेंसिव है और डेंसिटी क्या होती है, मास पर इंट वॉल्यूम। तो ये कहते हैं बताइए ऐसा क्यों होता है कि जब ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी एक्सटेंसिव है तो डेंसिटी हमारी क्या है, डेंसिटी हमारी आपका, डेंसिटी हमारी क्या होती है, वो इंटेंसिव क्यों है। तो देखिए जब भी कहीं एक वर्ड जुड़ जाए पर का मतलब यूनिट, आपने सुना होगा, क्या सुना है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है हमारा, उसको बोलते हैं आपका डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। तो जब भी किसी जगह पर वर्ड जुड़ जाए तो इसका मतलब प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, एंड इट बिकम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से आप जानते हैं प्रेशर, प्रेशर का क्या, वो क्या बोलते हैं प्रेशर को, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट पर जितना पर यूनिट एरिया पर जितना भी फोर्स लग रहा होगा वो क्या कहलाता है आपका, प्रेशर कहलाता है। तो अब आप देखिए प्रेशर में भी क्या आया, फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो जब फोर्स पर यूनिट एरिया आता है तो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, वो प्रॉपर्टी भी हमारी आपका इंटेंसिव बन जाएगी। तो जहां भी वर्ड आपका पर आ जाए, पर वर्ड जुड़ जाए, तो प्रॉपर्टी बजाय एक्सटेंसिव के इंटेंसिव हो जाती है, ठीक है बेटा। तो ये आपको बताया, आप एक क्वेश्चन बाकी कल बताएंगे कि आपका क्या होता है, ठीक है, थैंक यू। बेटा रुक जाना।